हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी किचन में आपका स्वागत है। आज हम सूजी का मोदक बनाएंगे, वो भी बिना सांचे का। देख लेते हैं बनाने की विधि। एक कढ़ाई लिए हैं, उसमें हम एक चम्मच घी डाल देते हैं। एक कप सूजी लिए हैं, ये बारीक वाला सूजी है। आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप उसको मिक्सी में डालकर पीस लें। इसको हम चलाते हुए 2 मिनट भूनेंगे, हल्का सा खुशबू आने तक मीडियम फ्लेम पर। देखिए हल्का सा ये भुना गया है। अब इसमें हम ये दूध डाल देते हैं और अच्छे से मिला लेंगे। एक कप सूजी लिए थे तो 2 कप दूध डाले हैं। अब इसमें हम 1/2 कप चीनी डाल देते हैं। मीठा अपने आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम मिला लेते हैं। गैस के फ्लेम लो रखेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। देखिए अच्छे से डो की तरह इसको हम चलाते हुए बना दिए हैं। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। गैस के फ्लेम बंद कर देते हैं, इसको हम ढक देते हैं। इधर ये सूजी का डो ठंडा हो रहा है, तो पहले हम इसका फिलिंग बना लेते हैं। एक कटोरी लेंगे, उसमें हम नारियल बुरादा डाल देंगे, बारीक कटा हुआ काजू डाल देंगे, बारीक कटा हुआ बादाम डाल देंगे और तोड़कर गुड़ डाल देंगे। और इसमें हम 1 चम्मच दूध डाल देंगे और अच्छे से इसको हम मिला लेते हैं। देखिए अच्छे से मिल गया है। अब इसका हम छोटा छोटा गोली बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं इसको हम। देखिए बना लिए हैं हम। इसको हम साइड में रख लेते हैं और सूजी का डो को देख लेते हैं। देखिए सूजी ठंडा हो गया है। अब इसको हम हाथ में घी लगा लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम मसल देते हैं। अब दोनों हाथ में घी लगा लेंगे, थोड़ा सा इसमें से हम डो ले लेते हैं और इसको हम चिकना कर लेंगे। ये जो गोली बनाए थे उसमें हम ये डाल देंगे। और इसको हम कवर कर लेते हैं। चिकना कर लेंगे इसको। अब इसको हम थोड़ा सा सेप देंगे मोदक के जैसा। ऐसे हम चम्मच लेंगे और इसको हम ऐसे दाग कर देंगे। ऐसे हम इसको हम चारों साइड से घुमा घुमा कर लेते हैं। देखिए मोदक बनकर तैयार हो गया है। बिना सांचे के हम मोदक को बना लिए हैं और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हम सारे मोदक को बना लेते हैं। मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। बनाइए और खाइए। अपनी अनुभव काशी किचन में शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।